12th क्लास कल हमने फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में समझा था बच्चों। 1900 के बाद में ये रिसर्च और तेज हो गई कि लिविंग बींग्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो डीएनए है या वो आरएनए है या वो प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, जेनेटिक मटेरियल है कौन सा। तो इसके लिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया चूहों के ऊपर 1928 में। तो उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया लिए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन लिए उन्होंने, एक स्मूथ स्ट्रेन और एक रफ स्ट्रेन। जो स्मूथ स्ट्रेन है वो अपने फर और पॉलीसेक्रेटरी कैप्सूल लेयर फॉर्म करा है और वो डिजीज कॉज करने में कैपेबल है जो स्मूथ स्ट्रेन है, क्योंकि वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से अपने आप को बचा लेता है। जबकि जो रफ स्ट्रेन है वो उनके अंदर कोई भी पॉलीसेक्राइड की कैप्सूल लेयर नहीं बनती है, तो वो होस्ट के इम्यून सिस्टम के से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं रख सकता और इसीलिए वो डिजीज कॉज करने में कैपेबल नहीं है। तो उन्होंने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के, और तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट माइस के ऊपर किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया, माइस के ऊपर। तो उन्होंने पहले एस स्ट्रेन लिया और माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो जो चूहे हैं माइस है उसके अंदर न्यूमोनिया हुआ और वो डाई हो गए, किल हो गए, ठीक है ना। फिर उन्होंने आर स्ट्रेन लिया और उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो माइस के अंदर कोई भी बीमारी नहीं हुई, न्यूमोनिया नहीं हुआ और वो किल नहीं हुआ, वो जीवित रहे। फिर उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट किया, तो हीट करने पर आपको पता है बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया किल हो गए। और फिर उस कल्चर को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो इस बार जो माइस है वो जीवित रहे, अलाइव रहे, वो डाई नहीं हुए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया बच्चों, एस स्ट्रेन हीट किल किया और आर स्ट्रेन के साथ में मिक्स करके रख दिया और कुछ समय बाद उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर। इस बार चूहों के अंदर न्यूमोनिया हुआ और वो डाई हो गए, ठीक है ना। तो ये देखकर फ्रेडरिक ग्रिफिथ को काफी अचंभा हुआ कि यार ये कैसे हुआ। फिर उन्होंने बताया कि जरूर जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का जो हीट किल कल्चर है उसके अंदर जरूर कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया एस स्ट्रेन के अंदर और उसको डिजीज कॉजिंग बना दिया। क्या बना दिया, डिजीज कॉजिंग बना दिया। तो ये चीज इन्होंने बताई, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बताई। तो उन्होंने जिस सब्सटेंस के बारे में बताया वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा उसको। तो इससे एक सर्च स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि जेनेटिक मटेरियल है कौन सा। तो बच्चों तीन अलग अलग साइंटिस्ट हुए जिन्होंने फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद में 1933 से 1944 के बीच में एक्सपेरिमेंट किए और ये फाइंड आउट किया कि व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या है लिविंग बींग्स के अंदर। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ प्रियांशु कोई इम्पोर्टेंट बात है जब तो हैंड रेज करो, नहीं तो हैंड डाउन कर लो अपना। कुछ इम्पोर्टेंट है जब तो हैंड रेज करो, नहीं तो हैंड डाउन कर लो। प्रियांशु चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो बच्चों टॉपिक का नाम है बायो केमिकल characterization of Griffith's transforming principle।
यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उस सब्सटेंस को कहा गया है जो कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में रोल प्ले करता है। ओके बच्चों, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीएमटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन के क्या नेचर है ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। तो ये किसने बताया, इन 1944 तीन साइंटिस्ट हुए बच्चों, ओसवाल्ड पी एवेरी कॉलिन मैकलियॉड एंड मैककार्टी। ठीक है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किसने किया, ओसवाल्ड टी एवेरी ने, कॉलिन मैकलियॉड ने एंड मैकलिन मैककार्टी ने। किसने किया, मैकलिन मैककार्टी ने किया। मैकलिन मैककार्टी ने किया। ठीक है बच्चों, तो अब मैं यहां पर एक डायग्राम बनाऊंगा और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं।
बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, आपको मैंने डायग्राम बनाया है, चार टेस्ट ट्यूब्स मैंने बनाई है, ओस्वाल्ड टी ओवेरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैकार्टी। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है उनको किल किया और उनका एक्सट्रैक्ट निकाला। क्या निकाला? उनका एक्सट्रैक्ट निकाला, ठीक है, और उस एक्सट्रैक्ट के से क्या किया, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट को अलग कर लिया, हाँ बेटा ध्यान से सुनिए, उन्होंने एस स्ट्रेन को किल किया और उसका एक्सट्रैक्ट लिया, और उस एक्सट्रैक्ट से उन्होंने कार्बोहाइड्रेट को अलग कर लिया, प्रोटीन को अलग कर लिया और डीएनए को अलग कर लिया। फिर उन्होंने चेक किया, उन्होंने इन चारों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ए बी सी एंड डी के अंदर चारों में उन्होंने आर बैक्टीरिया लिए। क्या लिए? आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर एस स्ट्रेन का कार्बोहाइड्रेट डाला, बी टेस्ट ट्यूब के अंदर एस स्ट्रेन का प्रोटीन डाला, सी टेस्ट ट्यूब के अंदर एस स्ट्रेन का डीएनए डाला और डीएनए एंजाइम भी साथ में ऐड किया, और डी टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने सिर्फ एस स्ट्रेन का डीएनए डाला, डीएनए एंजाइम नहीं डाला। जनरली बच्चों डीएनए एंजाइम डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। कुछ समय बाद देखा उन्होंने तो ए टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई चेंज नहीं देखा, सारे के सारे आर बैक्टीरिया ही थे। बी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ, जहां प्रोटीन ऐड किया था वहां भी कोई चेंज नहीं हुआ। सी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ, जहां पर डीएनए और डीएनए एंजाइम ऐड किया था। और डी टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने सिर्फ डीएनए डाला था, तो उसमें उन्होंने देखा कि अब वहां पर कुछ एस बैक्टीरिया भी हैं। क्या है? वहां पर कुछ एस बैक्टीरिया भी आ गए हैं, तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया, हेंस द डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। उन्होंने बताया कि डीएनए जो है जेनेटिक मटीरियल है जो यहाँ पर आर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है एस बैक्टीरिया के अंदर, एस स्ट्रेन के अंदर, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कैरेक्टराइजेशन हो गया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए है। ठीक है बच्चों, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है? डीएनए है। तो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सपेरिमेंट अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार हैंड रेज कर दें आप। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया है लेकिन वहां पर डायग्राम नहीं है, मैंने यहाँ पर डायग्राम बना के समझाया है, तो एक बार हैंड रेज कर दें अगर ये समझ में आ गया है। अब बच्चों अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और इन्फेक्शन के दौरान डीएनए ही ट्रांसफर होता है होस्ट सेल के अंदर, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। तो इसके लिए हाँ, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इसके लिए बच्चों हम एक्सपेरिमेंट समझ रहे हैं अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट।
बच्चों डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इसको प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए दो साइंटिस्ट हुए, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्टा हरे। उन्होंने बैक्टीरियोफाज के ऊपर, वायरसेस के ऊपर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बैक्टीरियोफाज लिए और उनमें से कुछ बैक्टीरियोफाज को एक ऐसे कल्चर में ग्रो करवाया जहां पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, ठीक है, और दूसरा एक कल्चर मीडिया लिया जहां पर उन बैक्टीरियोफाज को, वायरसेस को ग्रो करवाया जिनमें रेडियो एक्टिव सल्फर था। अब बच्चों फॉस्फोरस है वो डीएनए का पार्ट होता है, डीएनए में होता है, और सल्फर प्रोटीन में होता है। आपको पता है बच्चों वायरस के अंदर दो ही चीजें, एक है प्रोटीन का कैप्सिड और एक है न्यूक्लिक एसिड। जो वायरसेस, जो बैक्टीरियोफाज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडिया पर ग्रो करवाए गए, उनके डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इनकॉर्पोरेट हो गया, और जो वायरस रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडिया पर कल्चर करवाए गए उनके प्रोटीन के कैप्सिड के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर इनकॉर्पोरेट हो गया। फिर इन वायरसेस को सेपरेटली इंफेक्शन करवाया गया बैक्टीरिया के ऊपर, और कुछ समय बाद ये एग्जामिन किया गया तो पता चला कि जो जो बैक्टीरियोफाज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम पर ग्रो हुए थे तो बैक्टीरियल सेल के अंदर भी रेडियो एक्टिविटी पाई गई, ठीक है, जबकि उनके कैप्सिड के अंदर, सुपर नेटेंट के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई। और जो रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडिया पर जो वायरसेस ग्रो करवाए गए उन्होंने जिन बैक्टीरिया के ऊपर इंफेक्शन किया तो उन बैक्टीरिया के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई, जबकि उनके कैप्सिड के अंदर, जो वायरस के कैप्सिड के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर पाया गया। तो इसके लिए बच्चों मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ठीक है ना,
बच्चों ये चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा स्लो चलेंगे लेकिन समझते हुए चलना है तुमको। बच्चों इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डायग्राम है ये। अल्फ्रेड हर्से और मार्था चेज ने क्या किया, बैक्टीरियोफेजेस लिए, कुछ बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडिया के ऊपर ग्रो करवाया और कुछ बैक्टीरियोफेजेस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडिया के ऊपर ग्रो करवाया। हम जानते हैं कि सल्फर जो है प्रोटीन का पार्ट है, कैप्सिड के अंदर आ सकता है, और हम ये भी जानते हैं कि जो फॉस्फोरस होता है वो डीएनए का पार्ट है। फॉस्फोरस बच्चों किसका पार्ट है, डीएनए का पार्ट है। तो जब सल्फर वाले मीडिया पर ग्रो करवाया गया तो एक तो सल्फर है कैप्सिड के अंदर प्रोटीन के अंदर इंकॉर्पोरेट हो गया, और फॉस्फोरस वाले मीडिया पर जब मल्टीप्लाई करवाया गया तो फॉस्फोरस जो है इन बैक्टीरियोफेज के डीएनए में हो गया इंकॉर्पोरेट। अब इन्फेक्शन के लिए उन्होंने छोड़ा इसको, तो फर्स्ट स्टेप है इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया की सेल है और ये बैक्टीरियोफेज है, ये अटैच हो चुका है, ये अपने थ्रेड को रिलीज कर रहा है। इस तरीके से यहाँ भी ये अटैच हो चुका है, अपने थ्रेड को रिलीज कर रहा है। फिर ब्लेंडिंग, अब ये जो डीएनए है ये यहाँ आके बैक्टीरियल सेल के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया, यहाँ भी ये डीएनए आके बैक्टीरियल सेल के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया, सेंट्रीफ्यूज कराने पर बैक्टीरियल सेल से जो वायरस के कैप्सिड के खोल है वो अलग अलग है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने से एक तो सुपरनेटेंट मिल गया और एक बैक्टीरियल सेल का पार्ट मिल गया। तो इस वाले केस में देखा गया कि बैक्टीरियल सेल के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई, जबकि जो सुपर लेटेंट है जिसमें प्रोटीन के कैप्सिड है वहां पर रेडियो एक्टिविटी पाई गई। ठीक है, यहां देखा गया कि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं इनके अंदर रेडियो एक्टिविटी पाई गई, जबकि जो सुपर लेटेंट है जो प्रोटीन के कैप्सिड है वहां पर रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है और इन्फेक्शन के दौरान वही
सेल के अंदर ट्रांसमिट होता है। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, डीएनए वर्सेस आरएनए। चलो बच्चों पहले मैं आरएनए बता देता हूं कि आरएनए के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। आरएनए, आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स हैं फर्स्ट राइबोस सुगर, 5 कार्बन की सुगर है ये। सेकंड है नाइट्रोजन बेसेस, ठीक है ये दो हैं, एक तो है प्यूरीन, प्यूरीन भी दो हैं, एडिनिन। एंड ग्वानिन, ठीक है। और पाइरिमिडीन भी दो हैं, यूरैसिल साइटोसिन, ठीक है। और एक और ग्रुप है वो है बच्चों ध्यान से देखिए, आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है लेकिन ये कुछ एक वायरसेस में पाया जाता है। हमारे अंदर आरएनए पाया जाता है लेकिन हमारे अंदर आरएनए का रोल होता है प्रोटीन फॉर्मेशन करवाना, ठीक है। आरएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी के बेस पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर। आरएनए के कॉम्पोनेंट्स की बात करूँ तो इनमें राइबोस सुगर होती है 5 कार्बन की। राइबोस सुगर में सेकेंड कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। सेकेंड कार्बन पर डीएनए के अंदर एक ऑक्सीजन की कमी होती है ना, लेकिन यहाँ पर पूरी ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है सेकंड कार्बन पर। नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पर दो हैं, प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन। प्यूरीन भी दो है बच्चों, एडिनिन को ए से शो करते हैं, ग्वानिन को जी से शो करते हैं। पाइरिमिडीन भी दो है, यूरैसिल थायमिन नहीं होता यहाँ पर, यूरैसिल होता है। और साइटोसिन, साइटोसिन को सी से शो करते हैं, यूरैसिल को यू से शो करते हैं। और फॉस्फेट ग्रुप, ओके बच्चों। तो ये कॉम्पोजिशन रहती है आरएनए की, ठीक है। अब बच्चों यहां पर मैं आपको सुगर भी ड्रॉ करके बता दूं, 5 कार्बन की सुगर जो आरएनए के अंदर होती है। ये देखिए बच्चों, ये राइबोस सुगर का स्केच है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन। सेकंड कार्बन पर यहाँ पर डीएनए के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, यहाँ ऑक्सीजन है, यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है बच्चों। तो ये आरएनए की कॉम्पोजिशन है। अगर मैं आपको कहूँ कि डीएनए और आरएनए में कोई दो डिफरेंस बताइए तो क्या बता सकते हैं आप? गिव द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अब बताइए बच्चों, मैंने दोनों कॉम्पोजिशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप बताइए क्या डीएनए और आरएनए में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल है।
बच्चों डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, जबकि आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होती है। सेकंड डिफरेंस ये है कि डीएनए के अंदर थायमीन नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, जबकि थायमीन की जगह आरएनए के अंदर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। एक और डिफरेंस ये है कि डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डीएनए और आरएनए को डिटेल से पढ़ेंगे, डीएनए क्यों प्रिफर किया जाता है एज ए जेनेटिक मटेरियल वो भी पढ़ेंगे, और फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा था ये भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारे टॉपिक अपन लेंगे। आज की क्लास के रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप हैंडल कर दें। किसी को कुछ पूछना है क्या?